गिल्ट, अपने आप नूं दोष देना। कई बार इसी जाने या अनजाने विच कुछ ऐसा कर जाने हैं, पर उस तो बाद असी अपने आप नूं गिल्टी महसूस करते हैं, अपने आप नूं दोष देंदे रहने हैं। ये एक ऐसी इमोशन है जो बहुत अंदर तक बंदे नूं जीन नहीं दिंदी, मतलब उसका इफेक्ट बहुत डीपली होंदा। फिर असी की कर सकते हैं, उस गिल्ट नूं किवें दूर किया जा सकता है? जो भी साढ़े कोलों हो चुक्या है उसनों बैक तो नहीं ले जाया जा सकता, पर असी उस सिचुएशन चो जो सीख चुके हैं वो लैसन लैन तो बाद उस इमोशन नूं छड़िया जा सकता है। जे कोई बंदा इसलिए तैयार है दूसरियां नूं माफ़ करन लई, तां उहनूं अपने आप नूं माफ़ करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि परमात्मा कदे भी किसी ते कोई दोष नहीं लगांदा। ये साड़ी अपनी सोच है जो उसे गिल्टी होके अपने आप नूं ही जीन नहीं दिंदे। सो इस गिल्ट तो, इस इमोशन तो जदों असी अपने आप नूं आज़ाद कर लवांगे तां एक फ्रीडम वाली लाइफ असी जीवांगे, क्योंकि असी हर लाइफ विच जो भी सिचुएशन आती है उस तो एक लैसन लेना हुंदा है। लैसन लैन तो बाद असी उसनूं छड़ देना है, तां उसदे वास्ते आपां एक प्रोसेस करांगे। इस विच क्या जाता है, हाई सी। तां उस हाई सी दी असी मदद लवांगे, उस हायर कॉन्शियसनेस दी असी मदद लवांगे, ते अपने आप नूं उस गिल्ट तो आज़ाद करांगे। तां हुण तुसीं बिल्कुल रिलैक्स हो के एक जगह ते बैठ जाना है, अपने माइंड नूं, अपनी बॉडी नूं बिल्कुल रिलैक्स कर देना है। हुण तुसीं इमेजिन करना है कि तुसीं एक ब्लैक कलर दा वैट सूट, मतलब जो गिल्ला है वो तुसीं पाया होया है, मतलब तुहाडी बॉडी नाल चिपकिया होया है, वो डिनोट कर रहा है उस गिल्ट वाली फीलिंग नूं, क्योंकि वो भी सानू एवें ही कंस्ट्रिक्ट कर दी है। तो तुसीं एक ऐसा ब्लैक कलर दा वैट सूट पाया है हुण असीं हाई सी नूं कहांगे, कि वो सानू दसे कि किस चीज़ करके या किस इमोशन करके या किस नैगेटिव एक्शन करके असी ये गिल्ट वाली फीलिंग ली हुई है। क्योंकि कई बार सानू उस गिल्ट का रीज़न पता हुंदा, कई बार उस गिल्ट का रीज़न नहीं पता हुंदा। जे तुहानू खुद नूं पता है कि तुसी किस चीज़ करके गिल्टी हो, तां हाई सी नूं कहो ते उन्हूं पुछो कि असी हुण इस नूं किवें चेंज कर सकते। तो याद रखना है, हाई सी वो हायर कॉन्शियसनेस, तुसी उस दे कोल एक ब्लैक कलर दे वेट सूट विच
खड़े हो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗਿਲਟ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੋ। हो सकता है कि वो तुहानू कहे कि तुसी वो पूरा ही सूट उतार दो या उस दे छोटे छोटे पीसिस करके तुसी अपनी बॉडी नालों उसनों अलग करते जा रहे हो। तो जो भी फीलिंग जो भी पिक्चर तुहाडे सामने बने वो ठीक है। तुसी देखो कि तुसी अपने बॉडी दे हर पार्ट तो गिल्ट नू जिसनों तुसी अपना हिस्सा बना लिया सी उसनों तुसी अलग करते जा रहे हो। तो उस छोटिया छोटिया स्ट्रिप्स जो तुसी उतार रहे हो उसनों तुसी अपने पैरां दे कोल इकट्ठे करते जा रहे हो। जिथे जिथे बॉडी ते तुहानू टाइटनेस या किसी तरह की हार्ड फीलिंग आ रही है तो उसनू उस जगह तो डिटैच कर दे जाओ। तो तुसी जिमें अपनी सारी बॉडी तो जिमें जिमें वो पीसिस उतार दे जाओगे उवें उवें तुसी फ्री फील करते जाओगे। तो हुण तुसी अपनी सारी बॉडी तो वो पीसिस नू अलग कर चुके हो ते तुहाडे पैरां दे कोल वो सारियां स्ट्रिप्स पईआं ने जिसका एक पाइल बन गया है। हुण असीं हाई सी नूं पुछांगे कि इस नूं किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाए, ख़त्म किया जाए, इस नूं जला दिता जाए या पानी च बहा दिता जाए। तुसीं देखो कि तुसीं उह सारे पाइल दे उपर जला दिता है उसनों अग लगा के। तो देखो पाइल हौली हौली जलदा चला जा रहा है, राख बनती जा रही है तुहाडे सामने। वो पाइल दी राख बनती जा रही है क्योंकि तुसी उसनों जला दिता है। वह हौली हौली करके वो अग बढ़ती जा रही है तो पूरी तरह पाइल वो जल चुकी है। हुण सिर्फ उत्थे राख रह गई है। हुण उस राख नूं भी असीं चक्कांगे, देखांगे कि उत्थे एक पानी बह रहा है, झरना बह रहा है, कोई भी सोर्स पानी का तुहानू जो बह रहा है तुसी उस दे कोल पहुँच चुके हो। तुहानू तुसी सारी राख नू उस दे विच छड़ दिता है ते वो पानी उस सारी राख नू भी लैके जा चुके है। हुण तुसी बिल्कुल फ्री हो चुके हो क्योंकि उस ते कोई भी एक ड्रॉप भी किसी चीज़ की नहीं बची। हुण एक बहुत ही सुंदर झरना है ते तुसी उहदे नीचे बैठ के शावर लै रहे हो ते तुहाडी बॉडी दे उपर पानी पै रहा है ते तुसी बॉडी तुहाडी बिल्कुल क्लीन हुंदी जा रही है, साफ हुंदी जा रही है।
ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਬ ਕਰਕੇ ਕਲੀਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਕਲੋਥ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵਾਈਟ ਕਲਰ। ਉਹ ਰੋਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਡਮ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗਿਲਟ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਸੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਾਂਗੇ, ਇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।